हम बात करेंगे कार्डन शाफ्ट की लेंथ के बारे में। रोटावेटर को जो चलाने के काम आती है कार्डन शाफ्ट, अगर उसकी लेंथ ज़्यादा है तो उसका क्या नुकसान आपके ट्रैक्टर में हो सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और आपकी कार्डन शाफ्ट की लेंथ ज़्यादा है तो आपको कैसे पता लगेगा, उस मेथड के बारे में भी हम आज बात करेंगे। बहुत बार क्या होता है, जब हम फील्ड में जाते हैं तो देखने को मिलता है कि आपके जो ट्रैक्टर की PTO है उसकी ऑयल सील कट जाती है, बहुत जगह बैरिंग भी टूटने की शिकायत देखने को मिलती है। अगर आपकी शाफ्ट लंबी है, जब वो एकदम छोटी पोजीशन पे आएगी और उससे नीचे जब जाएगी तो पूरा रोटावेटर का वजन जो है वो धक्का मारेगा आपकी PTO को, तो उससे क्या है आपकी PTO को भी और भी कोई नुकसान हो सकता है, और ऑयल सील और बैरिंग टूटने की शिकायत तो ज़्यादातर आती है। अभी जब हमें पता कैसे चलेगा कि कार्डन शाफ्ट लंबी है, तो उसका एक बहुत सिंपल मेथड है। अभी मैं ट्रैक्टर और रोटावेटर दोनों हमारे ज़मीन पर खड़े हुए हैं, रोटावेटर ज़मीन में टिका हुआ है, ट्रैक्टर भी खड़ा हुआ है, इनको आपके जो ट्रैक्टर की PTO और रोटावेटर की PTO, ये दोनों जब बिल्कुल एक लेवल पे आएंगे तो उस टाइम क्या है आपके कार्डन शाफ्ट की लेंथ सबसे कम होगी। जब नीचे जाता है ट्रैक्टर इम्प्लीमेंट ज़मीन में जाता है तो शाफ्ट थोड़ी खुल जाती है, जब इम्प्लीमेंट को आप ऊपर उठाते हैं तो ऊपर आने पे भी इम्प्लीमेंट थोड़ा खुल जाती है शाफ्ट। तो उसी टाइम पे आपको नापना है कि आपके ट्रैक्टर की PTO और इसकी दूरी कितनी है और आपके कार्डन शाफ्ट की लेंथ कितनी है, तो उससे आप पता लगा सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, अभी हमारा ट्रैक्टर एक लेवल पे खड़ा हुआ है, पहले हम अपने ट्रैक्टर की PTO की हाइट नापेंगे और रोटावेटर साइड की PTO की हाइट नापेंगे कि ये कितनी ऊंचाई पे है। टेप की सहायता से हम अपने ट्रैक्टर साइड की PTO और रोटावेटर साइड की PTO दोनों की एक बार हाइट नाप लेंगे वो कितनी ऊंचाई पे है। तो अभी पहले हम ट्रैक्टर साइड की PTO की हाइट नापेंगे, तो आप देख सकते हैं टेप की सहायता से हम इसको नापेंगे। तो PTO के सेंटर पॉइंट से अगर हम नापते हैं तो आप देख सकते हैं 1 फुट और 10.25 इंच के करीब इसकी हाइट आ रही है, तो लगभग 22.25 इंच, 22.25 इंच जो हमारे ट्रैक्टर साइड की PTO है उसकी हाइट है ज़मीन से। तो अभी हम एक बार रोटावेटर साइड की PTO की भी हाइट नाप लेंगे। तो दोस्तों अभी रोटावेटर साइड की जो PTO है उसकी हाइट हम एक बार नाप लेंगे, तो आप देख सकते हैं ज़मीन में टिका हुआ है नीचे से, और ये आप देख सकते हैं सेंटर पॉइंट से फिक्स 2 फुट यानी कि 24 इंच। तो हमारे PTO जो रोटावेटर साइड की PTO है उसकी हाइट है 24 इंच और जो ट्रैक्टर साइड की PTO है उसकी है 22.25 इंच। तो हमारे जो रोटावेटर साइड की जो PTO है तो लगभग 2.25 इंच ऊपर है। अब ज़मीन में टिका हुआ है हमारा इम्प्लीमेंट, ये नीचे नहीं जा सकता इससे, लेकिन हमारे जो ट्रैक्टर साइड की PTO है उसकी हाइट हम थोड़ी ऊपर कर सकते हैं। तो अभी उसका एक सिंपल मेथड है कि ट्रैक्टर साइड की PTO को हम कैसे ऊपर कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों जैसे हम बात कर रहे थे कि एक मेथड के बारे में कैसे हम ट्रैक्टर साइड की PTO की हाइट को थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, अभी आप देख सकते हैं कि रियर टायर के आगे हमने एक ईट यहाँ लगाई हुई है, सेम हमने उधर वाले टायर के आगे भी लगाई हुई है। जब ट्रैक्टर को हम लो गियर में लगा के ईट के ऊपर लेके आएंगे तो टायर की थोड़ी हाइट ऊपर हो जाएगी। अगर टायर की हाइट ऊपर होगी तो आपके जो PTO है ट्रैक्टर साइड की उसकी भी हाइट थोड़ी ऊपर हो जाएगी। तो उस टाइम हम एक बार दोबारा नापेंगे कि वो एक लेवल पे है या नहीं है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं ट्रैक्टर जो है ईट के ऊपर आ चुका है, और ईट के ऊपर आने के बाद आप देख सकते हैं मेरा हाथ टायर के नीचे जा रहा है, और इसको आप ज़मीन से हाइट देखेंगे 2 से 2.5 इंच लगभग इसकी हाइट जो है ज़मीन से ऊपर गई है। तो अभी PTO के सेंटर से नापेंगे, तो पहले कितना आ रहा था हमारा 22.25 इंच, और अभी देख सकते हैं ये आ रहा है फिक्स 24 इंच। तो हमारे ट्रैक्टर साइड की PTO की हाइट बढ़ी है 2.25 इंच के करीब, तो ये अभी 24 इंच पे आ रहा है। तो अभी हम रोटावेटर साइड की हाइट नापेंगे सेंटर पॉइंट से देखेंगे तो पूरे 24 इंच, तो ये भी 24 इंच है। तो इस टाइम पे हमारे जो कार्डन शाफ्ट है उसकी लेंथ सबसे कम होगी, क्योंकि हमारे ट्रैक्टर साइड की PTO और रोटावेटर साइड की PTO दोनों बिल्कुल एक लेवल पे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमारे ट्रैक्टर साइड की PTO है इसमें एक ग्रुप कटा हुआ है जहाँ पे आपके कार्डन शाफ्ट का लॉक लगता है, और एक आपकी जो रोटावेटर साइड की PTO इसमें भी एक ग्रुप होता है। इस ग्रुप से ग्रुप की दूरी हम नापेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है, फिर उसके बाद हम अपनी कार्डन शाफ्ट की लेंथ नापेंगे। ये आ रहा है आपका 2 फुट 8 इंच, 2 फुट 8 इंच मतलब 32 इंच, तो इसकी लेंथ आ रही है हमारी 32 इंच। तो अभी हम एक बार अपने कार्डन शाफ्ट की लेंथ नाप लेंगे कि वो इसके बराबर है, छोटी है या बड़ी है। 32 इंच होने के बाद हमें इसमें कार्डन शाफ्ट में 2 इंच की फ्री प्ले होना बहुत ज़रूरी है।
ताकि आप रोटावेटर को जब ऊपर नीचे लेके जाएं तो अंदर बाहर होने में उसको गैप मिलता रहे। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो कार्डन शाफ्ट जो हमारी बिल्कुल बंद पोजीशन में है, बंद है तो ये सबसे कम लेंथ होगी। अभी इसको हम नापेंगे, ये लॉक आप देख रहे हैं, ये वाले लॉक जो हमारी पीटीओ शाफ्ट ट्रैक्टर साइड की और रोटावेटर साइड उसमें जो ग्रुप कटे होते हैं वहाँ पे जाके लॉक होगी। तो इस लॉक से इस लॉक की दूरी हम नापेंगे एक बार। अगर मैं इसको ऐसे नापता हूँ, ये टेप जो है मुड़ के आ रहा है ऐसे, तो एग्जैक्ट लेंथ नहीं आएगी। अभी हमने क्या किया है, इस लॉक के सामने एक रॉड खड़ा किया है और इस लॉक के सामने एक रॉड खड़ा किया है। तो इस रॉड से रोड की दूरी हम नापेंगे, तो आप देख सकते हैं 2 फुट 6 इंच। तो इसका मतलब जो हमारी कार्डन शाफ्ट है इसकी लेंथ आ रही है 30 इंच। 30 इंच का मतलब हमारी जो ट्रैक्टर साइड की पीटीओ और रोटावेटर साइड की पीटीओ उसकी लेंथ आई थी 32 इंच। तो ये जो कार्डन शाफ्ट है आपकी ऑलरेडी 2 इंच छोटी है, तो इसमें ऑलरेडी आपको 2 इंच की फ्री प्ले मिल रही है, तो ये आपके ट्रैक्टर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें एक ग्रुप कटा हुआ है अंदर, इसी तरह का ग्रुप इसमें इस तरफ कटा हुआ है। बहुत बार क्या होता है, अगर आपकी कार्डन शाफ्ट का अगर एंगल बिल्कुल परफेक्ट नहीं है तो जो पीटीओ स्पीड आपके रोटावेटर की साइड से निकलती है उसका बहुत सारा लॉस बीच में हो जाता है, तो पूरी स्पीड आपकी आपके रोटावेटर को नहीं मिल पाती। तो इसका एक एंगल राइट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या होगा, बहुत सारे देसी शाफ्टें जो होती है उसमें यहाँ पे थ्रेड टाइप की कटी रहती है इधर भी और इधर साइड भी, तो कई बार किसी भी एंगल में फिट हो जाती है, लेकिन ये एक स्पेशल शाफ्ट है तो ये हमेशा अपने राइट एंगल में ही जाके फिट होगी। तो अब ये आप देख सकते हैं, इसको मैं एक बार एंगल में बैठाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ मैं लगाने की, तो यहाँ पे भी फिट ये नहीं हो रही है। तो अभी एक बार और घुमाऊँगा, तो अभी आप देख सकते हैं ये हमेशा अपने राइट एंगल पे जाके ही फिट होगी। अभी इस एंगल का क्या महत्व है, अगर ये राइट एंगल पे है तो आपके ये क्रॉस के देख सकते हैं यूनिवर्सल जॉइंट का जो पोजीशन है बिल्कुल स्ट्रेट है, इसके सामने बिल्कुल सामने होने का मतलब है ये बिल्कुल, अगर इसकी इसका एंगल अगर ऐसे चेंज होगा तो इसका नीचे की तरफ होगा, अगर इसका एंगल ऐसे चेंज होता है तो इसका एंगल ऐसे चेंज होगा। तो ये इसका एंगल बिल्कुल परफेक्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी लोकल शाफ्टों में क्या होता है, ये एंगल डिस्टर्ब हो सकता है, ये यूनिवर्सल जॉइंट सामने आ रहा है तो हो सकता है वो इधर रहे या इधर रहे, तो उस टाइम पे क्या होगा आपके इम्प्लीमेंट में बहुत सारी वाइब्रेशन हो सकती है। बहुत बार क्या होता है, अगर जैसे मैंने अपने ट्रैक्टर की और उसकी पीटीओ शाफ्ट की जो दूरी नापी तो 32 इंच थी, बहुत बार क्या होता है कंडीशन होती है कि आपकी जो कार्डन शाफ्ट की लेंथ हो सकता है 3400, तो उस कंडीशन में क्या होगा 2 इंच तो आपको वही काटना है कि उसके बराबर लानी है 32 इंच, लेकिन उसके बाद आपको 2 इंच की फ्री प्ले भी चाहिए, तो उसके लिए क्या है आपको 4 इंच जो आपकी कार्डन शाफ्ट है उसको काटना पड़ेगा। अभी हमने इन पार्ट्स को दोनों को बाहर निकाल रखा है, क्योंकि जब ये अंदर होंगे तो बिल्कुल छोटी पोजीशन यही होगी, ये वाला पार्ट आपका ऊपर वाला है, ये पार्ट अंदर वाला है। अभी हम देखते हैं कि हमारी इसकी लेंथ 4 इंच ज़्यादा है, अगर मैं इसको यहाँ से 4 इंच काट लेता हूँ इस पार्ट को, लेकिन ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं ये यहाँ पे टच कर रहा है, बंद पोजीशन में भी है यहाँ पे टच रहेगा, मैं इसको भले यहाँ से भी काट दूँ लेकिन ये यहाँ पे टच कर रहा है तो इसकी लेंथ कम नहीं होगी। कंडीशन क्या है, बहुत बार किसान भाई क्या करते हैं 2 इंच इसको काटा 2 इंच इसको काट दिया, तो भी क्या होगा दोनों साइड से सिर्फ 2 इंच कम हुआ तो सिर्फ 2 इंच ही आपकी लेंथ कम होगी। आपको क्या करना है, अगर मुझे 4 इंच काटना है टोटल तो 4 इंच यहाँ से काटूंगा 4 इंच इधर से काटूंगा, तो दोनों तरफ से 4-4 इंच कम होगा तो ये लेंथ कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ इधर से 4 इंच काटा लेकिन ये वाला पार्ट आप देखते हैं अंदर रहेगा, तो ये वाला पार्ट जब भी इसमें टच हो रहा है तो इसकी लेंथ कम नहीं होगी, और हो सकता है कई बार ज़्यादा काटने पर आपकी एक कार्डन शाफ्ट बाहर भी आ सकती है। बाहर आने पे क्या होगा, जब आप इम्प्लीमेंट को उठाते हैं तो लेंथ जब ज़्यादा हो जाती है बाहर आने पे आपके लोअर लिंक्स में टकरा के आपकी कार्डन शाफ्ट को भी नुकसान हो सकता है और आपकी ट्रैक्टर की पीटीओ को भी नुकसान हो सकता है। तो ये बहुत सही मेथड आपको इस्तेमाल करना है हमेशा, कि कार्डन शाफ्ट की लेंथ को काटने के लिए हमेशा दोनों साइड से कट करना है, क्योंकि इसकी लेंथ तभी कम होगी।